SRK की मूवी जवान का जब से प्रीव्यू वीडियो आया है या फिर ट्रेलर्स आया है, तब से मूवी की ओरिजिनलिटी कहानी को लेकर काफी सारी बयानबाजी हो रही है। कई लोग इसको एटली की पुरानी फिल्मों का रिमिक्स में मिक्सी में डाला हुआ पुराना माल बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना यह है कि हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की कॉपी है, खासतौर से डार्क मैन की। लेकिन साउथ की कुछ फिल्में ऐसी हैं जहां पर देखकर आपको लगता है जवान वहां से इंस्पायर हो सकती है। खासतौर से कमल हसन की, अमिताभ बच्चन की दो फिल्में हैं जिसको देखकर इसकी कहानी का प्लॉट लगभग सिमिलर लगता है। हालांकि अडॉप्शन मॉडर्न है और अप्रोच थोड़ी नए जमाने की ली गई है, लेकिन कहानी की जो मेन सोल है, जो आत्मा है, वो कमल हसन की बच्चन की पुरानी फिल्मों की तरह है। अब वो दोनों फिल्में कौन सी हैं उसकी बात भी कर लेते हैं। एक्चुअली अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी, इसका नाम था आखिरी रास्ता, जो कि साउथ की मूवी ओरी कैदियन डायरी का ही रीमेक थी, जहां पर पिता पुत्र की जोड़ी दिखाई गई थी। एक बेटा जो यंग पुलिस कॉप आर्मी में बिलीव करता है, लॉ के अंदर काम करता है, जबकि दूसरा एक फादर है जो कि काफी डिसफिगर्ड है और किसी पुरानी हिस्ट्री का रिवेंज बदला लेकर नए जमाने विजिलेंटे बना हुआ, यानी बदला लेने के लिए काफी खूंखार बना हुआ है। यहाँ भी थोड़ा थोड़ा कहानी लगभग सिमिलर लगती है, बिकॉज एक पार्ट में हम देखते हैं शाहरुख खान बहुत यंग है, लगता है दीपिका पादुकोण के साथ उनकी पुरानी फ्लैशबैक की स्टोरी है या फिर वो बेटे वाली कहानी है। और एक है दूसरा एंग्री यंग ओल्ड मैन, जिसका चेहरा काफी खराब है, चेहरे पे सिर पे चोटें हैं, बाल्ड लुक है और काफी हद तक विजिलांटे है, यानी अपनी फीमेल ब्रिगेड को लेकर नई नई चोरियां कर रहा है, पुलिस को आपका ड्रामा अलग तरीके से डिफरेंटली परसेप्ट कर रहा है और किसी पुराने हिस्से का बदला ले रहा है। यहाँ पर लगता है दो बाप बेटे के बीच के क्लैशेस को दिखाया जाएगा। और वैसे ही आप एटली की जो भी पुरानी फिल्में देखेंगे, वहां पर एक्टर एक हद तक विजिलांटे होता है कि दूसरे पार्ट में से कहानी का बैकग्राउंड बताया जाता है। जैसे आप विजिल देख लीजिए, मार्शल देख लीजिए या फिर एटली कोई पुरानी मूवी उठा लीजिए, वहां पर आपको यही तड़का देखने को मिलेगा, या तो बाप बेटे होंगे या दो हम शकल हीरो होंगे या फिर एक पुराने स्टोरी मर जाएगा, नया उसकी शकल को लेकर आखिर कमबैक करेगा और कहानी को आगे बढ़ाएगा। यहाँ भी कहानी काफी सिमिलर है और लुक को लेकर, एक्शन को लेकर काफी नई अप्रोच दी गई है, लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट है वो आपको कैदियन डायरी या फिर आखिरी रास्ता वाला ही लगता है। हालांकि मूवी देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कितनी तमिल की कितनी साउथ की फिल्मों की रीमेक है, लेकिन हाँ कहानियों में बहुत ज्यादा परिवर्तन न करके सिर्फ ट्रीटमेंट में बदलाव किया गया है। और SRK के लिए इतना ही बहुत है, बिकॉज उनकी पुरानी मूवी पठान की कहानी कुछ बहुत डिफरेंट नहीं थी, ना ही एक्शन बहुत अलग थे, लेकिन उनके चार्म ने, उनकी एक मास अपील ने बहुत मैजिक क्रिएट किया था। और जवान के साथ भी ऐसे कुछ फील हो रहा है। प्लस जो कास्ट बहुत धांसु है, विजय सेतुपति हैं, नयन तारा हैं, रिद्धि डोगरा हैं, सना खान हैं और बहुत सारे एक्टर हैं, खासतौर से सुनील ग्रोवर भी हैं, तो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत नए नए टैलेंटेड चेहरे हैं। प्लस दीपिका पादुकोण के कैमियो हैं और बहुत सारे टैलेंटेड आपको एंटरटेनमेंट की पूरी डोज देंगे, ऐसा लगता है जवान का प्रीव्यू वीडियो ट्रेलर देखकर।